दो तीन दिन से जिम छूट गया था, तबियत सही नहीं लग रहा था इसलिए जिम नहीं आ रहे थे। और दोस्तों कल वाले ब्लॉग में आप लोगों का कमेंट भी आया था बाल कटवाने को लेके, तो आज हम जाके बाल भी कटवा लिए है। और देख सकते हैं किचन में हमारा यही दो चीज लगा, पहला ये है चिमनी, ये एक लगा हुआ हमारा ओवन। और इतना जोर से बारिश वगैरह हवा चल रहा है की जो यहाँ ग्रेनाइट रखा हुआ था हमारा वो गिर करके टूट चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज की न्यू ब्लॉग में। तो अभी जिम आ गए हैं, तो आज जा रहे हैं। दो तीन दिन से जिम छूट गया था, तबीयत सही नहीं लग रहा था इसलिए जिम नहीं आ रहे थे, तो आज आ गए हैं जिम। तो जाते हैं, आप लोग से वर्कआउट के बाद मिलते हैं। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और न्यू वाले घर में है सौरभ, ये भी खा के घर में सो रहा है तो अभी आएगा। और नीचे आपको किचन में जाके दिखाते कितना काम हुआ और दो नया चीज लगा हमारे किचन में, तो दिखाते आपको। और दोस्तों कल वाले ब्लॉग में आप लोगों का कमेंट भी आया था बाल कटवाने को लेके, तो आज हम जाके बाल भी कटवा लिए है। और देख सकते हैं आज का मौसम भी वैसा ही किया हुआ उस दिन जैसा लग रहा, पानी गिरेगा और बाउंड्री का तो काम हो ही रहा है, तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं किचन में आ चुके हैं और किचन में ये जो टेबल था इसमें फूल लग चुका है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। फूल लग गया तो डेकोरेट करने के बाद और अच्छा लगता है, तो इधर दोनों साइड ही लग चुका है अभी फूल। और अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं है, अभी बस खाली पड़ा हुआ है। हाँ खाली है। और देख सकते ये किचन में हमारा यही दो चीज़ लगा, पहला ये है चिमनी और ये एक लगा हुआ हमारा ओवन। और हमारे किचन में ये ओवन, चिमनी और गैस वो तीनों चीज़ लग चुका है, अब बस और उतना काम नहीं है, बस पानी की सप्लाई वगैरह आना बाकी है। अभी दोस्तों देख सकते हैं बारिश होना स्टार्ट हो गया और इतना ज़ोर से बारिश वगैरह हवा चल रहा है कि जो यहाँ ग्रेनाइट रखा हुआ था हमारा वो गिर करके टूट चुका है। उतना बड़ा भी नहीं था, छोटा सा ही पीस था, लेकिन गिर के टूट गया, उसका नुकसान हो गया है। और दोस्तों यहाँ अभी दो दिन से पानी गिर रहा रोज़ शाम में, तो उससे जितना सीमेंट वगैरह का बाउंड्री था वो थोड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वो उतना जोर से ही पानी नहीं गिरता है, बस हवा वगैरह बहुत चलता है, बादल गरज रहा है, देख सकते कितना। और ये दोस्तों जो लेबर वगैरह काम करते हैं उनका भी शायद कोई जैकेट रखा हुआ था, हम नोटिस नहीं किए, ये भी भींग गया है पूरा। तो अब जब तक छूटता नहीं तो यहीं पर यही रूम में रहना पड़ेगा, तो हम और एक मेरा दोस्त है यहीं पर रुके हुए हैं, और जब छूटेगा तभी जाएंगे बाहर। देख सकते यही दो तीन था तो एक गिर के टूट गया, तो ये आगे से ही टूटा है थोड़ा सा, और दो वहीं का वहीं है, ये थोड़ा लंबा था, हवा चला अचानक देखे गिर गया। और देख सकते ये बगल वाला ज़मीन में तुरंत पानी जम जाता है, तो पूरा गीला हो जाता है ये। अब बाउंड्री को तो ऊपर से ढक दिए थे ये लोग बोरा से, तो उतना कुछ हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों अभी रात हो गए है, तो आज इतना बारिश हुआ है कि कहना ही नहीं है। पहले बीच में पानी पड़ा शाम में, फिर छूट गया था, फिर लगातार 2-4 घंटा तक पानी पड़ा है। तो अभी तो ये कुत्ते लोग को बिस्किट नहीं खिला पाए थे उस टाइम, तो अभी खिला दे रहे हैं। और लाइन कटा हुआ है इधर, अभी जाएंगे फिर सो जाएंगे। अभी दोस्तों नी वाले घर में है, तो जितना ऊपर का फ्लोर है सब में नापी हो रहा है, तो ये कुछ अलग मशीन लेके आया नापी करने वाला, कैसे करता है वह करके दिखाइए। इसमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लाइट जलता है लेज़र टाइप का, और डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है, तो सारा में हो गया ना नापी। तो दोस्तों अभी ऊपर आ गए सोने के लिए, हम और दीपक भैया साथ में आ गए आज, आज जल्दी आ गए सोने के लिए, आज तबीयत भी सही नहीं लग रहा है मेरा, और कल सुबह उठ के फिर जिम भी जाना है, और अभी फिर वीडियो भी एडिट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।